हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। जो के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और इस वजह से जो के बचपन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई है कि आप सब तो देख ही रहे हैं, आजकल ये सारे सपने जो को परेशान कर रहे हैं। पर उसके साथ एक चीज़ अच्छी है और वो है लव। लव उसके ही साथ बेड पर सोई हुई है। वो लव को टच करता है, लव की नींद खुल जाती है और इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान ही लव अपने भाई से बात करना शुरू करती है। मजबूरी है, क्या करे, 14 ने उसे फ़ोन ही ऐसे टाइम पर किया है। पर इस बातचीत के दौरान भी लव जो के साथ संभोग करती रहती है और फ़ोन कटने के बाद दोनों आपस में मशगूल हो जाते हैं। इधर डेलिया और एली की डांट अभी भी चल रही है। अक्सर डेलिया एली को डांटती है और एली अपने सिस्टर की एक भी नहीं सुनती। जो को ये सारी मुसीबत बहुत बढ़ती हुई लग रही है, इसलिए वो पहुँचा है विल के पास। विल की हेल्प से वो हैंडरसन की डिटेल निकलवा रहा है। इन सब डिटेल्स को निकालने के बाद जो पहुंचा है हैंडरसन के घर। यहाँ वो एक एक रूम की तलाशी लेता है। यहाँ उसे कुछ अश्लील फ़ोटोज़ मिली हैं, इसमें डेलिया की भी फ़ोटोज़ है। इन फ़ोटोज़ को जब जो ने देखा तब उसे एक आइडिया आया। वो ये फ़ोटोज़ डेलिया को पार्सल कर देता है। डेलिया जब इन फ़ोटोज़ को रिसीव करती है तब देख कर शॉक्ड है। डेलिया का बॉयफ्रेंड है जो कि पुलिस में है और फिलहाल डेलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर रही है। इस संभोग के दौरान वो टेंशन में है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि आखिर इन सब की वजह क्या है। डेलिया बताती है वो फ़ोटोज़ जो उसके पास हैं। डेलिया का बॉयफ्रेंड इन फ़ोटोज़ को देखता है और उसे समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। पर डेलिया डरी हुई है। वो कहती है कि हैंडरसन बड़ा शातिर इंसान है, वो इतना फेमस है, भला हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। डेलिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। इधर हम जो को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान है। वो अपने बचपन की यादें याद कर कर के गमगीन अंधियारों में डूबता जा रहा है। दरअसल जो की मदर का अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होता रहता था और इस दौरान जो की मदर ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया। जब जब वो बॉयफ्रेंड जो के पास आता था वो उसे मारता रहता था। जो की मदर जो को दिलासे देती थी कि सब ठीक हो जाएगा, पर इन सब हिंसक घटनाओं ने जो को ऐसा बना दिया है जो कि आज जो है। ये घटनाएं हैं जो कि जो को इतनी हिम्मत देती हैं और वो इतने बड़े से बड़ा क्राइम कर पाता है। कितनों की लाशें वो जंगल में ले जाकर फेंक चुका है। अब फिलहाल वो हैंडरसन को पकड़ना चाहता है। विल पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जो कहता है कि मैं हैंडरसन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें उससे गुनाह कबूल करवाऊंगा। इन सब के बाद वो हैंडरसन के पास पहुंचा है। जैसे उस घर में घुसता है वो देखता है कि यहाँ एली आ गई है। पहले तो हैंडरसन थोड़ी एक्टिंग करता है जैसे वो एली को अंदर आने नहीं देना चाहता, पर एली कहती है कि उसने एक वीडियो बनाई है और वो इसे दिखाना चाहती है। हैंडरसन डायरेक्टर के तौर पर इस वीडियो को देखता है और पसंद भी करता है। इसके बाद एली से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाई है। जो यहाँ छिप के देखता है कि ड्रिंक में हैंडरसन क्या मिला रहा है। जो ने दूसरे कमरे में आवाज़ की, आवाज़ की दिशा में हैंडरसन गया और मौका पाते ही जो ने ड्रिंक की अदला बदली कर दी। हैंडरसन वापस आकर एली को ड्रिंक पिलाता है, इसके साथ ही वो खुद भी पीता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंडरसन कैद हो चुका है। इस साउंड प्रूफ कमरे में जो ने हैंडरसन को कैद कर दिया है। हैंडरसन यहाँ चिल्लाता है। जो कहता है कि चिल्लाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ये कमरा तुम्हारा है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये साउंड प्रूफ है। पहले तो जो ने यहाँ पर मास्क पहना था, फिर बाद में उसने मास्क उतार दिया। हैंडरसन ने जब जो को देखा तब याद करने की कोशिश की कि इस शख्स को मैंने कहाँ देखा है। इन सब के दौरान एली सोफे पर लेटी हुई है, उसे कुछ खबर ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या है। हैंडरसन को याद आया कि अपनी पार्टी में उसने जो को देखा था और उसे ये भी याद आता है कि उसने फोटी के साथ उसे देखा था। इन सब के बाद वो भागने की कोशिश करता है। जो उसे पकड़ने जाता है, इन दोनों में हाथापाई होती है। हैंडरसन सीढ़ियों के सहारे नीचे गिर गया और वह ऐसा गिरा कि उसके सिर से ब्लड निकल पड़ा। अब वो मर चुका है। जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है एली जो कि सोफे पर लेटी हुई है। इन सब के बाद जो एली को चैट के द्वारा अपनी सिस्टर के यहाँ बुला लेता है। एली यहाँ से चली गई और अब जो लगा है इस घटना को सुसाइड करार देने में। वो सारी चीज़ें इधर से उधर वेस्ट करता है। जब जो यहाँ से बाहर निकल रहा है तब डेलिया का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है, पर जो यहाँ आसानी से बच गया। वो अपना हेडफोन उसके बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करता है और इस तरह जो यहाँ से निकल पाया। जो इन सब के बाद विल के पास पहुँचा है। विल जो से रिक्वेस्ट करता है कि तुमने कितनों को मार दिया, अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं बताऊँगा। जो को विल पर दया आ गई। वैसे भी जो को जब अपना बचपन याद आता है तब उसे अपने आप पर ही दया आ जाती है। इस तरह उसने विल को छोड़ दिया है। विल भी कहता है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा और ये शहर छोड़कर चला जाएगा। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया है जब 40 ने अपनी नई गर्लफ्रेंड से लव को मिलाया है। ये और कोई नहीं बल्कि कैडेंस है। कैडेंस एमी के नाम से लॉस एंजल्स आ चुकी है
और अब वो फोर्टे की गर्लफ्रेंड है। अब चूंकि कैडेंस यहाँ आ चुकी है, वो जो के साथ क्या करने वाली है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए।